मजदूरों के एंट्री पर राजस्थान यूपी बॉर्डर पर बवाल। यूपी राजस्थान बॉर्डर को सील कर दिया गया। सीमा को आगरा पुलिस ने सील किया। कांग्रेसी बसों को ले जाने पर यहां पर अड़े हुए आगरा की कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू यहां धरने पर बैठे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस ने हिरासत में लिया। कांग्रेसी बसों को ले जाने पर अड़े हुए हैं मजदूरों के एंट्री पर राजस्थान यूपी बॉर्डर पर बवाल। आगरा की कई थानों की पुलिस मौके पर यहां तैनात। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अमरीश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश, देखिए क्या अपडेट आपके पास है, मजदूरों की क्या मांगे यहां पर हैं? मनीषा, मजदूरों की मांग तो दूर है, अब बात कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां अपनी साख पर रख चुकी हैं। जी, जहां प्रियंका गांधी की तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जी जी, हम 1000 बसें भेजना चाहते हैं श्रमिकों के लिए। दो दिन बाद जवाब आता है मुख्यमंत्री के कार्यालय से कि आप 1000 बसों का पूरा लेखा जोखा भेज दीजिए नंबरों के साथ। वो जब भेजा जाता है तो इधर से जवाब आता है कि आपने 1000 बसों की जो लिस्ट भेजी उसमें से 700-800 बसों की, 849 बसों की जो कुल लिस्ट है वो बस है, बाकी टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है। इसके अलावा आप बाद में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का बयान आता है जी, 460 बसें फर्जी है, 297 कबार है, 297 बसों की कोई फिटनेस नहीं है, 98 थ्री व्हीलर कार है या एम्बुलेंस है। अगर अब बात करते हैं बसों की, यहाँ जो एक बड़ा सवाल है कांग्रेस की तरफ से ये वो ये है कि 849 बसों की जो लिस्ट है उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, उनमें से भी अगर 100-200 बसों को कम कर दिया जाए तो 650 बसें जो उपलब्ध कराई गई थी उनमें श्रमिकों को नहीं भेजा जा सकता था, तो एक बड़ा सवाल उठ कर आ रहा है। जिस वजह से कल कांग्रेस कमेटी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हिरासत में लिया गया, क्योंकि बवाल से पता था कि जो बसें उपलब्ध हैं कांग्रेस और भी बसों को उपलब्ध करा रही है, और इस तीखी नोकझोंक में पुलिस के साथ अजय कुमार लल्लू को हिरासत में ले लिया गया। अब उसके बाद उप मुख्यमंत्री का बयान आता है कि ये जो बसों का वीडियो जारी किया है कांग्रेस ने, जो परिवहन निगम की बसें हैं राजस्थान सरकार की, तो अब उनका जो सवाल पहला आता है वो ये होता है कि कोटा में जब यूपी के छात्रों को खाना उपचार नहीं मिल रहा था तब राजस्थान के मुख्यमंत्री कहाँ थे? सरकारी संस्था का प्रयोग एक निजी पार्टी के द्वारा कैसे किया जा रहा है? अब बीजेपी ने इसके प्रतिवार पर एक तीखी प्रतिक्रिया दी और वो ये है कि ये कांग्रेस पार्टी के प्रचार नहीं, राजस्थान में जो इस वक्त कांग्रेस की सरकार है उसकी तरफ से ये सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो जब कोटा में बच्चे फंसे थे। बिल्कुल अमरीश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।